जब इंसान अपनी जायदाद या कारोबार को अपनी ज़िंदगी में पूरे होश और हवास के साथ किसी के नाम करना चाहता है तो उसके इस अमल को हिंदुस्तानी कानून में वसीयत कहा जाता है दरअसल वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी एक या इससे ज्यादा अफराद का नाम लिखा होता है इसमें होता यह है कि जिसके नाम वसीयत होती है वो वसीयत कराने वाले के इंतकाल के बाद उसकी जायदाद और कारोबार का मालिक बन जाता है इसमें एक पहलू यह भी है कि जिस इंसान ने वसियतना तैयार किया होता है उसे ये पूरा अख्तियार होता है कि वो उसे खत्म भी कर सकता है या बदलकर किसी और के भी नाम कर सकता है किसी भी शख्स के नाम वसीयत करने के लिए वसीयत करने वाले को किसी सरकारी कागज या स्टैम्प की जरूरत नहीं होती अगर कोई शख्स एक सादा कागज पर अपने दस्तखत के साथ वसीयत लिखता है तो ये कानून की नजर में बिलबूल होगी बहुत से लोग इस मालूम से नावाकिफ हैं उन्हें यह लगता है कि वसियत करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है जबकि ये बहुत ही आसान और खुद इंसान के हाथ में होता है जब वो चाहे अपनी मर्जी से एक कागज़ पर अपनी जायदाद और कारोबार का मालिक किसी को भी बना सकता है भारत के कानून में वसियत से मुतल कुछ अहम निकात हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है वसियत का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है अगर कोई शख्स वसियत की रजिस्ट्री करा लेता है उसके बाद भी उस पर दावा किया जा सकता है इसमें यह भी जरूरी नहीं माना गया कि मरने वाले के जरिए की गई रजिस्टर्ड वसीयत आखिरी वसीयत होती है उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड व भी बहुत से निकात ऐसे हैं जो अदालत में चैलेंज किया जा सकते हैं या मंजूर किए जाते हैं वसीयत करते वक्त वसियत बनाने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त होना लाजमी है और वसीयत करते वक्त उसके दस्तखत के साथ साथ उसके दो गवाहों का भी होना ज़रूरी है यानी जो जायदाद इंसान ने ख़ुद ने बनाई होती है उसे ये इख्तियार होता है कि वो उसे किसी को भी गिफ्ट डीड बनाकर दे सकता है लेकिन जो जायदाद बाप दादाओं से हासिल होती है उसका मालिकाना हक़ उसके तमाम वारसिन को होता है विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के संबंधित बना सकता है विल के द्वारा वह व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह किस व्यक्ति को अपने मरने के उपरांत अपनी प्रॉपर्टी सौंपना चाहता है विल रजिस्टर करानी जरूरी नहीं होती विल आप किसी भी सादे कागज़ पर बना सकते हैं लेकिन यह जरूरी है कि आप विल बनाने से पहले अपने एडवोकेट से ज़रूर परामर्श ले लें क्योंकि एडवोकेट ही ऐसा होता है जो आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कानूनी सलाह है ठीक रूप से दे सकता है बिल कोई भी व्यक्ति बना सकता है और वह व्यक्ति उस बिल में मेंशन करता है कि इस बिल का एग्जीक्यूटर कौन होगा एग्जीक्यूटर का मतलब है कि उसके मरने के उपरांत जो कि उसके लीगल एयर्स में कोई डिस्प्यूट ना हो तो इस विल को सही रूप से कौन एग्जीक्यूट करेगा

मुल्क में मुकदमत के बढ़ने की एक अहम वजह है वसीयत का ना होना या सही तरीके से विल ना किया जाना आज इस प्रोग्राम में हम विल के ताल्लुक से जितने अहम पॉइंट्स होते हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे विल कैसे की जाए किस तरह से किस किस के लिए वसीयत की जा सकती है और किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जा सकता है इन तमाम मौजुआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से मोहतरमा मीनाक्षी कालरा साहबा और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं मारूफ वकील जनाब सैयद उबैद मंसूर साहब आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तबाल है सबसे पहले अगर हम वसीयत की बात करते हैं तो इसको मैं ख़ुद भी समझना चाहूँगा और हमारे नाजरन तक भी ये बात पहुँचानी हम चाहेंगे कि वसीयत आखिर मैडम क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है सो so, वसीयत बेसिकली सेक्शन फाइव ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट है जिसमें यह बयान किया गया है कि वसीयत को क्या कहते हैं वसीयत एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी इमूवेबल या मूवल प्रॉपर्टीज़ को जो आपने खुद एक्वायर करी होती हैं उनको आप किसी और को सौंपते हैं जो आपके मरने के बाद उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाती है वो प्रॉपर्टीज़ एक जायदाद भी हो सकती है लैंड भी हो सकती है आपके शेयर्स भी हो सकते हैं आपके नाम पे जितनी भी इमूवेबल या अवबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप बिक्वीत कर सकते हैं किसी को जो आपके मरने के बाद उसके वारिस बन जाते हैं मालिक बन जाते हैं बहुत अच्छी बात कही उबैद साहब मैडम ने कहा कि मरने के बाद जो लोग वारिस बन जाते हैं उस तल्लु से आप वसीयत कर सकते हैं लेकिन जब मरने के बाद जो जारसन हैं जो भी उनसे मतलब हैं उनके बाद में उनके बच्चे या जो भी मुतल है जब उनको प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी तो फिर वसीयत क्यों उसकी अहमियत फिर अब भी क्यों है वसीयत में असल में हम पहले डिसाइड कर देते हैं कि किसको हमें देनी है और किसको नहीं देनी है वारिसान के ताल्लुक से सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगी जिसको वारिसान के ताल्लुक से मिलनी है एज़ पर लॉ उसका एक कानून है मखसूस कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट उसके हिसाब से जितनी भी जिसकी भी मकदार है जितनी प्रॉपर्टी की उतनी प्रॉपर्टी उस इंसान को जो भी रिश्तेदार है बेटा है भाई है माँ है बाप है कोई भी हो सकता है उसके ताल्लुक़ से उन्हें सक्सेशन के हिसाब से जो मिलेगी वो प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी लेकिन वसीयत में क्या होता है हम जिसको चाहें उसको दे दें ये ज़रूरी नहीं है कि सक्सेशन के ताल्लुक से जिनको मिलनी है सिर्फ उन्हीं को दी जानी है हो सकता है कि हम हमें चाहते हों कि सक्सेशन के ताल्लुक से जिसको मिलनी है उसको ना मिले या किसी वजह से हो सकता है कि उसको मजीद और चीज़ें पहले दी गई जा चुकी हों किसी और रब्ते से तो हम ये चाहते हैं कि विल के हिसाब से वो अब हम दे दें ना दें उसको और दूसरे को दे दें तो इस फ़र्क़ को तय करने के लिए वसीयत और सक्सेशन का फ़र्क आ जाता है और वसीयत में हम किसी को भी दे सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने कही मैडम आपका दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से एक रिश्ता है और तजुर्बा है आपका अच्छा खासा मुल्क में जो मुक़दमे प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जायदाद के ताल्लुक से पहुँचते हैं उसमें वसीयत ना होना या वसीयत में किस तरह की कमी जो सामने आती है उसके बारे में ज़रूर आप बताएँ हम आम तौर से देखते हैं कि कितनी बार कितने केसेस कोर्ट में आते जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो विल जो वसीयत है वो या तो ढंग से बनाई नहीं गई या उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया जिस वजह से उनको कोर्ट में आके लड़ाई करना पड़ा वो उनको अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ा तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट विल इस इतना इम्पोर्टेंट होता है कि विल के अंदर जो जो चीज़ों की ज़रूरत है एक विल को बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दो गवाह होने बहुत ज़रूरी हैं जो विल बना रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो होशो हवाज़ में अपने मेडिकल डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेके कि मैं एकदम अपने होशो हवाज़ में हूँ और अभी मैं इस तादाद में हूँ कि मैं अब विल लिख सकता हूँ उस विल का एक सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है जो विल लिख रहा है उसका एग्जीक्यूटर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर कोई विल बनती है तो कोर्ट में जाना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बट अगर ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता इसी रीजन से बहुत चीजें कोर्ट में जाती हैं और वो विल के चक्कर में काफी लोगों को काफी सालों तक तकोदैद करके उस विल को प्रूव करना पड़ता है सो so इसलिए एक विल में ज़रूरी है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस पर ही मैं रिएक्शन साहब से भी लेना चाहूंगा कि विल में जैसे मैडम ने बताया कि दो गवाह होने चाहिए एक एग्जीक्यूटर एक उसका होना चाहिए अगर जबानी विल किसी ने की हो तो उसकी क्या कानूनी अहमियत है ज़बानी विल अपने आप में अहमियत रखती है लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही वजह रहती है जो आज इतना लिटिगेशन हो गया है कि मेरे फ़लाने रिश्तेदार ने ऐसा कहा था मेरे फ़लाने रिश्तेदार ने ऐसा कहा था तो उसमें चेंजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये जब रिटन फॉर्म में आती है लिखित में आ जाती है तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जो मौजूद है मौके पर जो इस कागज़ पे लिखा हुआ है सिर्फ वैसी ही होनी है उसमें एक वर्ड एक हर इधर नहीं किया जा सकता और एक और इधर नहीं किया जा सकता तो बेहतर यही होगा कि उसको रिटर्न फॉर्म में किया जाए और अफजलियत उसकी रिटर्न फॉर्म में ही आएगी रिटर्न फॉर्म की आपने बात करी क्या सादे कागज़ पर या उसको किसी स्टैम्प के ऊपर उसको करना जरूरी है ये जरूर हमारे आप वीवर्स को बताएं किस तरह से करें एक इंसान में देखिए सरकार इस काम के लिए बैठी है और सरकार आपकी और हमारी सबकी ज़िम्मेदारी लेती है और उसी तरीके से सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी की भी ज़िम्मेदारी ली है तो जब आप सरकारी कागज़ को यानी कि इस्टैम्प की ड्यूटी पे करके आप एक वसीयत बनाते हैं तैयार करते हैं तो उसमें सरकार भी आपकी हमनवा हो जाती है और इसलिए बेहतर ये रहता है कि उसको रेवेन्यू स्टैम्प देने के बाद में रजिस्टर करा दिया है जो जहाँ पर जैसी फीस होती हो वो दी जाए तब आपकी बेहतरीन विल निकल कर आएगी यहाँ पर उबे जी आपसे एक मैं जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं लिखत की और आपने कहा कि वो एक कागज के ऊपर या स्टैंप के ऊपर वो लिख सकते हैं तो लिखने के बाद क्या उतना काफी हो जाता है कि एक कागज के ऊपर उसको लिख लिया गया उसमें दो गवाह बना लिए गए क्या इतना काफी है इनिशियल स्टेज पे इतना कहना काफी है एक कागज पे लिख लिया उसे और दो उसके गवाह बना लेकिन

अपनी वसीयत लिख दी दो लोगों के साइन ले लिए वो उसको और अपनी तौर से कितना मजबूत कर सकता है जैसे आपने कहा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बेहतर है उसमें लगाए और उसको किस तरह से रजिस्टर करवा सकता है वो ताकि कहीं भी उसको कोई चैलेंज ना कर सके तो सेक्शन 18 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई भी वसीयत अगर उसको रजिस्टर करा लेते हैं बिफोर द रजिस्ट्रार जो सब डिविजनल रजिस्ट्रार होता है उनके यहाँ ये वसीयत रजिस्टर होती है और उसके यहाँ पे जब ये वसीयत आप लेके जाते हैं जो एग्ज़ीक्यूटर होते हैं जो बनाते हैं वो उस विल को वहाँ लेके जाते हैं वहाँ पे वो बयान देते हैं कि ये विल मैं इस होश आवाज़ में बना रहा हूँ मैं इनके हक में ये कर रहा हूँ और मेरे मरने के बाद इनके नाम पर विल बनाई जाएगी जो एस होता है उनके सामने ये सब चीज़ों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं देर उससे क्या हो जाता है कि इस वसीयत में और थोड़ा वजन आ जाता है और वो थोड़ा रजिस्टर रजिस्ट्रेशन होने से उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है सो so दैट आगे कोर्ट में जाके लिटिगेशंस कम हो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट हम उस विल को रजिस्टर कराएं बिफोर द रजिस्ट्रार

कभी आगे चैलेंज नहीं हो पाती क्योंकि काफी चीजें आती हैं तकनीकियां होती हैं जो हम लीगल लॉयर्स को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम इसलिए जरूरत होती है एक बार आप कंसल्ट कर लें उस ले के बारे में और रजिस्टर करा लें लेंट आपसे जानना कोई भी बिल करते में किन पॉइंट्स को जहन में रखें जैसे आपने कहा कि हम लोग फेस करते हैं आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पता लगता है कि इसमें गलती हो गई कहाँ गलतियाँ होती हैं तो गलतियाँ जो मेजर प्राइमरली जो मुझे लगता है गलती होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी बच्चे हैं या आपकी जैसे प्रॉपर्टी और आप कुछ बच्चों को देना चाहते हैं कुछ को नहीं देना चाहते या जिनको नहीं देना चाहते उनको क्यों नहीं देना चाहते हैं इन सब चीज़ों का अगर बयान विल में हो जाए अगर आप प्रॉपरली लिख दें कि मेरे इतने वारिस हैं और इनमें से मैं इनको देना चाहता हूँ इनको नहीं देना चाहता हूँ या इन सबको मैं नहीं देना चाहता हूँ और क्यों नहीं देना चाहता हूँ अगर इन सब चीज़ों का बयान उसमें हो जाता है अगर आप ये लिखवा लें अपनी विल में कि मैं होशो हवाज में अगर मेरे को कोई बीमारी है लेट सपोज अगर मेरा बीपी हाई है, मेरी शुगर है या मेरे को उस टाइम पे कोई मैं किसी दौड़ से गुजर रही हूँ जिसमें मेरी प्रॉब्लम है मेडिकली तो अगर आप उसका भी बयान उसमें कर दें इसलिए उन सब चीजों को लिखने से क्या होता है कि आगे जाके चैलेंज नहीं हो पाता कि इन्होंने होशो आवाज में विल नहीं लिखी इन्होंने हमें छोड़ दिया विल से हमें हमारा हिस्सा था हमारे यू नो पिताजी ने ये विल हमारे नाम पे करनी थी बट इसमें नहीं लिखा गया अगर इन सब चीज़ों का बयान विल के अंदर हो जाए तो उनको लिटिगेशन में जाने से रोक सकते हैं मजीद एक बात कहना चाहूँगा कि सक्सेशन और विल पैरल है एक चीज ली या दूसरी चीज ली तो एग्जीक्यूट या रजिस्टर कराते वक्त अगर हम सक्सेसर्स को नहीं देना चाहते वसीयत अपनी तो बेहतर ये रहता है कि उन्हीं को गवाह बनवा लिया जाए सबसे बेहतरीन काम हो जाता है कि आप उन्हीं को गवाह बनवा लिए ले, बना लेते हैं उस रजिस्ट्रार के सामने या उसको लिखित के टाइम पर उससे क्या होता है कि बाद में आपको क्लेम करने का कोई राइट नहीं रखता क्योंकि आप उस काम के होने के खुद गवाह हैं खुद गवाह थे तो अब आगे डिस्प्यूट्स के चांसेस उसमें मिनिमल हो पर ऐसा होता है कि वो बचना चाहते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चों के सामने ये बात ना आए कि हम किसको क्या दे रहे हैं ये सहूलियत की बात कही थी मैंने ये एक सहूलियत की और जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहना रहेंगे क्या इसमें आगे डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जो कि आप खुद उस चीज़ के गवाएं जिस चीज को आप ये कहते हैं कि ये गलत हुआ तो ये कैसे पॉसिबल है इस अगर इसका एक सोशल एस्पेक्ट देखें जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो कहते हैं कि नहीं हम अपने जीते जी तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे वसीयत और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा चल रहा है बाद में अपने आप बांट लेंगे तो इस तरह के केसेस में अगर हम देखें

सलाह करके उसको बांट लेंगे उस टाइम पे एक फ़ैमिली सेटलमेंट डीड बन सकती है और उस फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू आप हर कोई आपसी में समझौता करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये रखेंगे ये प्रॉपर्टी वो रखेंगे और सारे बच्चों में आपसी में आप उस चीज़ को बांट सकते हैं तो आई थिंक अगर विल किसी की नहीं हुई है और बाद में उनके बच्चे फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू उस चीज़ को आपसी में समझौता करके बंटवारा कर लेते हैं तो फिर कोर्ट जाने से आप लोग बच सकते हैं और लिटिगेशन फिर अवॉइड हो सकती है लेकिन एक फैमिली माना के अपने पेरेंट्स के वक्त में उनकी जिंदगी के वक्त में एकजुट हैं मिले हुए हैं अगरचे उसके बावजूद भी कोई विल करता है और वसीयतनामा अपने जिंदगी में लिख देता है तो क्या आगे के लिए वो बेहतर कर रहा है अपनी फैमिली के लिए कि ताकि उसमें आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो मैडम आपसे ही जानना चाहूंगा इस सवाल को तो क्योंकि आपने आ, बहुत डील किया है और आपने देखे हैं किस किस तरह लोग इसमें मुकदमेबाजी में वक्त गुजार देते हैं मेरे को मैं सुझाव हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये देती हूँ कि आप अपने जीते जी ही डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने किस बच्चे को कौन सी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या किस बच्चे को जो नहीं देना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आपको वो अपने हर बच्चे को कम्युनिकेट करना है या बताना है कि मैं ये विल करके जा रहा हूँ क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे के नाम पे विल हो जाती है और फिर वो बेखौफ हो जाते हैं कि अच्छा अब हमारी ये प्रॉपर्टी होगी और फिर माँ बाप का थोड़ा ध्यान रखना कम हो जाता है ये एक बड़ा सवाल है बिल्कुल जो आपने किया लोग बहुत होता है लोग हाँ। वसीयत करते में और अपने इसलिए... बच्चों को बताते में डरते भी हैं कि हमने वसीयत कर दी कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी के नाम कर दी और वो भी हमारा साथ देना छोड़ दे और जिसके नाम नहीं करी वो तो क्या हमारा साथ देगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि ये जान लेना पहले कि वसीयत कब वैलिड होती है और वसीयत कितनी वसीयत की जा सकती है पहली वसीयत और आखिरी वसीयत का फर्क क्या है जी ये तमाम चीजें जान लेना जरूर जा। बताएं मैं बिल्कुल आपसे चाहूंगा कि इसके ऊपर तो इसमें क्या है कि अगर आपने वसीयत करी और आपकी औलाद को ये पता चल गया कि मेरे वाले ने मेरे नाम वसीयत कर दिए मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब मेरा हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वसीयत करने वाले को ये हक रहता है कि वो उस वसीयत को नाफि कर दे खत्म कर दे और मजीद दूसरी वसीयत बनाए यानी आज अगर कोई वालिद वो वसीयत करता है कि ये मेरी ज़मीन जो है ये मेरे चार बेटे या पांच बेटे या पांच बच्चों के नाम में कर देता हूँ और अभी वो जिंदा है और अपनी जिंदगी के अंदर क्या वो उस वसीयत को खत्म करके दूसरी वसीयत कर सकता वसियत खत्म है? कर सकता है दूसरी कर सकता है अगर दूसरी के बावजूद भी उसे लगता है कि कोई नई कंडीशन आ गई है नई चीज आ गई है वो तीसरी कर सकता है वो चौथी कर सकता है वो जितनी चाहे उतनी कर सकता सबसे है सबसे ज्यादा अहमियत किसकी मानी जाएगी जो सबसे राइट बिल्कुल राइट सबसे ज्यादा अहमियत उसकी मानी जाएगी जो उसके मरने से पहले वाली हो जो उसके मरने के वक्त के सबसे नजदीक होगी, वो मानी जाएगी मैडम कुछ कहना चाहती थी आप इसमें एक चीज और जरूरी है कि जो जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया कि आखिरी विल को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है बट उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी आखिरी विल हो उसमें हम मेंशन करें कि हमने पहले दो ऐसी विल्स विल्स बनाई हैं और उन दोनों विल्स को हम इसलिए खारिज कर रहे हैं और ये हमारी आखिरी जो विल है इसको ही हम इम्पोर्टेंस देंगे ये लिखना बहुत जरूरी ये ये होता है और दूसरी वसीयत वही खत्म हो जाए जहाँ वो खुद वसीयत करने वाले आखिरी करते हुए तीसरी वसीयत कर रहा हूँ यानी ये एक बारीक पॉइंट है जिसको आगे चल करके बच्चों को ये लगता है कि ये सब कुछ तो हमारा है तो ये हमें क्यों नहीं देते ये बच्चों को या बड़ों को ये जानना चाहिए कि किसका है और किसका नहीं है ये कानून कहता है कि अपनी ज़िंदगी में आप अपनी चीज़ के खुद मुख्तार हैं जो आपने चीज़ कमाई है जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड जो भी चीज़ है वो आपकी उसे जैसे चाहे वैसे करें बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो करें जो माँ बाप चाहें माँ बाप ज़रूरी नहीं है वो करें जो बच्चे चाहें बड़े होने के नाते एडल्ट होने के नाते मेजर होने के नाते बालिग होने के नाते ये अपनी उनकी मर्ज़ी है मंशा है उनकी जैसे चाहें वैसे करें उसमें कोई किसी का कोई जवाज़ नहीं होना चाहिए कुछ जगहों पर यह भी मामला पहले सामने आते थे कि आखिर में जब एक इंसान अपने होश में नहीं है या बिस्तर पर है वो पड़ा हुआ उसके किसी तरीके से अंगूठे के निशान ले लिए गए और वसीयत बनवा ली गई ऐसी सिचुएशन में मैडम के कैसे बच सकता है इंसान ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि मेरे पिताजी के अंगूठे के निशान लेके ये जाली विल बनाई गई है और उसमें साइन जो होते हैं एंड में होते हैं बट पेपर में ऊपर लिखा जाता है तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है जो गवाह हैं और आपका जो एग्जीक्यूटर है जो उस विल को एग्जीक्यूट करेगा आपके मरने के बाद उस एग्जीक्यूटर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है तो अगर किसी वसीयत को आप ये प्रूफ कर देते हो कि दो गवाह के सामने वो वसीयत बनाई गई है एक एग्ज़ीक्यूटर है जिसके सामने वो वसीयत बनाई गई है उस कंडीशन में आप उस विल को प्रूफ कर सकते हैं और अगर वो सब चीज़ें नहीं आप कर पाते तो जाहिर सी बात है कि वो विल फिर वैलिड होएगी ही नहीं क्योंकि वो जाली सिग्नेचर ले लिए गए होंगे जाली सिग्नेचर ले लिए गए होंगे उबैद साहब आपने कहा कि मरने के नज़दीक यानी मरने से पहले वो कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें मरने से पहले भी अगर आदमी कोई वसीयत कर रहा है तो वो डाउटफुल होगी या उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाएगा देखिए तो कि वसीयत करने वाले के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए किसी इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए किसी दबाव में ना हो दबाव में ना हो ये कौन तय करेगा कि वो किसी दबाव में नहीं मर्जुल मौत या डेथ बेड जब इंसान को ये लगे कि मैं मरने वाला हूँ उस वक्त अगर उसकी वसीयत बनाई जाती है भले ही उसके द्वारा बनाई जाए लेकिन उस वक्त उसका जो कॉन्शियस है उसका जो जहन है वो इतना काम नहीं करेगा जितना उसका एक आम टाइम में काम करता था उसे ये लगता था कि ये मेरी तीमारदारी कर रहा है शायद इसका ज़्यादा हक़ हाँ है वो भूल गया अपने साठ साल की उम्र के कि इसने उसके लिए क्या करा वो उसको उस एक ख़ास मखसूस पीरियड का उसके जहन में रहता है कि इसने मेरी बड़ी खिदमत करी तो हो सकता है कि वो उस वक्त पे सिर्फ उसको जहन में रखते हुए अपनी वसीयत बना ले तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए ही वसीयत बनने के बाद में एक प्रोबेट का सिस्टम है जो कानूनी सिस्टम है कि विल जो है वो प्रोबेट की जाएगी इन तमाम कंडीशंस को देखने के लिए कोर्ट है इदारे हैं वो कोर्ट ये तय करेगी कि ये जो वसीयत बनी हुई है वो किस सिचुएशन में बनी हुई है वो सही तरीके से है या नहीं

आप गौर कीजिए गैर रिश्तेदार या रिश्तेदार क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसको दी जानी है, किसी को भी दी जा सकती किसी को भी दे है किसी को भी दे सकता है गैर रिश्तेदार भी मुझे दे सकता है कोई बात नहीं तो कोर्ट में जाके मैं ये कहूँगा कि मेरे नाम पर यह वसीयत है और इसको आप प्रोबेट कराएं कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी उसके लिए कोर्ट का एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में उसको प्रोबेट करना कहलाया जाता है नोटिस इशू किया जाता है सोशल नोटिस आप अगर उसे बेसिक उसमें कहें तो सोशल नोटिस होगा मंजर आम पर वो नोटिस जाएगा सबको बताया जाएगा कि ये वसीयत आई है इस प्रॉपर्टी की और इस इंसान की किसी को कोई अगर परेशानी है जवाज़ है आपत्ति है आके बताए एक मखसूस वक्त है होगा उसके लिए उस मुकर वक्त में अगर कोई नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये वसीयत सही है इसको प्रोबेट कर दिया जाए जैसे ही प्रोबेशन का लेटर आपके पास आता है आपकी वसीयत कंप्लीट हो जाती है और वसीयत में दी हुई प्रॉपर्टी के आप मालिक बन जाते हैं एक बड़ी अहम चीज़ होती है इंसान अपनी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस करवाता है अब वो लाइफ इंश्योरेंस करवाने के बाद में उसके बाद अब दूसरी चीज़ है वो वसीयत कर रहा है यहाँ ये होता है कि उसकी डेथ के बाद अब किसको मिले वो जो उसकी जो पॉलिसी थी उसकी रकम वो किसको मिलेगी क्या उस सिचुएशन में जो वसीयत कर रहा है वो उन्हीं लोगों को वो पॉलिसी की जो रकम है वो मिलेगी या उसमें कुछ चेंज होगा तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि विल के अंदर आपकी जितनी भी चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो ज़मीन हो जायदाद हो या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एल का जो आपका अमाउंट होता है एफ होती है म्यूचुअल फंड्स होते हैं शेयर्स होते हैं आप इन सब चीज़ के बारे में आप उसमें मेंशन करते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी एल किसके पास जाएगी आपका जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो किसके पास जाएगा शेयर्स हैं वो आप किसको देना चाहते हैं तो इन सब चीज़ को आप विल के अंदर मेंशन कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट एल में जैसे एक नॉमिनी होता है तो एल में जो भी नॉमिनी होगा वो नॉमिनी को ज़रूरी है कि वो विल के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को विल के जो एल का जो अमाउंट है उस श्योरिटी उनको दे

जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है आपने उस कंपनी में दें कि मैंने नॉमिनी ये दिया था लेकिन मेरी वसीयत अब इस आदमी के लिए हो रही है तो या तो वो थ्रू आ जाएगी या फिर डायरेक्ट आ जाएगी लेकिन आपको कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कंपनी को, को इन्फॉर्म करना, करना हाँ एक तनाजा ये हो सकता है कि जिस वक्त आप पॉलिसी ले रहे हैं

तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमें पेंशन जैसे सर ने बोला कि हमें उस पेंशन वाली अथॉरिटी को हमें पार्टी बनाना पड़ा जो उनके नॉमिनी थे जिनको उन्होंने छोटे भाई को नॉमिनी बनाया हुआ था उनको भी पार्टी बनाना पड़ा और नॉमिनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे काफ़ी बार ये डिस्प्यूट रहता है कि नॉमिनी इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट ये गलत है नॉमिनी जो बनता है नॉमिनी का काम होता है उस चीज़ को कलेक्ट करके जिनके भी हकदार हैं उनमें बांटा जाए

और सक्सेशन या विल के दौरान जो भी प्रोसीडिंग हो या जिसके भी हिस्से में आएगा वो उसको देगा ये नॉमिनी का काम ये नॉमिनी का काम है तो यहाँ पर हमने नॉमिनी के जो हुकूक थे उसको भी समझ लिया कि उनका जो राइट्स है वो कितना है और जो असल हक है या असल वारिस है वो जो वसीयत के अंदर मेंशन किया गया है मुझे उम्मीद है कि आज की इस पेशकश से हमारे नाजरन ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा और ये जान गए होंगे कि वसीयत की कितनी अहमियत है और उसको किस तरह से किया जाए इन बारीक पॉइंट्स को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है आप अपने राय मशवरे भी हमें ई के जरिए हमें भेज सकते हैं मैं अपने मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर रोशनी डाली हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त आदा